औद्योगिक नगरी पीथमपुर में लगातार वाहन चोरी के प्रकरणों को और अवैध शराब अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध प्रभावित कार्यवाही करते हुए धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने थाना प्रभारी को कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। थाना प्रभारी सागर राजन भदौरिया और उनकी टीम ने उप निरीक्षक श्वेता राजपूत को सूचना मिली कि मठिया कॉलोनी पर रहने वाला कालू और ग्राम खेड़ा का देवेंद्र वाहन चोरी की घटना कर रहे हैं। सूचना पर देवेंद्र उर्फ देवी पिता संजय भावर उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खेड़ा को और कालू पिता राम भरोसे जयसवाल 23 वर्ष निवासी मठिया कॉलोनी सागर की तलाश करते हुए देवेंद्र कालू के पास देसी 12 बोर कट्टे और चाकू मिले, जिसके पूछताछ करने पर बजाज पल्सर इंदौर से एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल बिना नंबर की पीथमपुर चुराए स्वीकार किया है। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। सर, आज जो सागर के थाने के अंतर्गत जो आरोपी गिरफ्तार हुए, सर थोड़ा कुछ बताओगे बारे में? हाँ, आज सागर के क्षेत्र के अंतर्गत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जी, जिसमें 2 लोगों से चोरी की मोटरसाइकिलें जो पीथमपुर जूनी इंदौर से चुराई थी उनके द्वारा, और एक देसी कट्टा 12 ओवर का कमाई कारतूस के और 60 लीटर महुए की शराब और 4 अन्य धारदार हथियार भी इनसे बरामद किए। नाम और पद बता दे सर। आरिस भदौरिया, थाना प्रभारी सागर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।